Hey everyone, I am Shubham Kumari and in this video I am going to explain the name of muscles which involved in shoulder movement with some extra knowledge. So let's start with the video. So first we all know that the shoulder have 3 degrees of movement. The first is flexion and extension, second is abduction and adduction, and the third is internal as well as medial and external as well as lateral rotation. So we have total 6 movements in the shoulder joint. So these 6 movements are the basic movements, but we have more extra movements like scaption, shoulder horizontal abduction, shoulder horizontal adduction, etc. So first we are going to start with shoulder flexion. तो जो फ्लेक्सर्स होते हैं शोल्डर फ्लेक्सर्स, इसे शोल्डर फ्लेक्सर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये शोल्डर, इस मसल को शोल्डर फ्लेक्सर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये मसल शोल्डर के फ्लेक्शन में हेल्प करते हैं. तो जो मसल हैं वो 4 मसल हैं जो कि फ्लेक्शन में हेल्प करते हैं. बेसिकली 2 मेन मसल होते हैं. तो शोल्डर फ्लेक्शन, फ्लेक्शन वाला मूवमेंट आगे की साइड से होता है, मीन्स कि हमारा सजाइटल पेन में होता है. तो इसमें जो मेन मसल इन्वॉल्व होते हैं, तो फर्स्ट इज डेल्टॉइड का एंटीरियर वाला फाइबर, डेल्टॉइड का एंटीरियर फाइबर्स, एंड द सेकेंड इज कोराकोब्रेकियालिस. बाकी जो 2 और मसल होते हैं वो एसेसरी मसल होते हैं, 1, 2, 3, पेक्टोरालिस मेजर, एंड द फोर्थ इज बाइसेप्स ब्रेकिया. तो ये 4 मसल होते हैं जो शोल्डर के फ्लेक्शन में हेल्प करते हैं. और ये सारे मसल जो हैं, दीज ऑल मसल्स आर प्रेजेंट एट द एंटीरियर साइड ऑफ द हैंड, एंटीरियर साइड ऑफ द आर्म. So it helps in the flexion of the joint, flexion of the shoulder joint. So now we are going to study about shoulder extension. And shoulder flexion की range क्या होती है? तो इसकी range of motion होती है 0 degree to 180 degree. If you know what is a shoulder flexion, what movement is shoulder flexion, then you can see there is total 0 degree. It starts from 0 degree and ends at 180 degree. So let's नाउ लेट्स टॉक अबाउट शोल्डर एक्सटेंशन. तो इसकी जो रेंज ऑफ मोशन होती है, एक्सटेंशन हम कम कर पाते हैं, ज़्यादा पीछे हम अपने हाथ को ज़्यादा पीछे तो नहीं ले जा पाते ना बैक डायरेक्शन में, तो इसलिए शोल्डर एक्सटेंशन की रेंज कम होती है 0 to 60 degree. एंड वी हैव द रेंज, वी हैव 0 to 180 degree ऑफ रेंज ऑफ शोल्डर फ्लेक्शन. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सटेंसर्स. सो देयर इज 3 मसल्स विच इज मेन मसल. फर्स्ट वन इज लैटिसिमस डॉर्साई, सेकेंड इज टेरिस मेजर, एंड थर्ड इज डेल्टॉइड का पोस्टीरियर वाला फाइबर. डेल्टॉइड मसल हैज 3 फाइबर, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडिल. तो पोस्टीरियर वाला फाइबर पीछे वाले मूवमेंट में हेल्प करेगा, एंटीरियर वाला फाइबर आगे वाले मूवमेंट में हेल्प करेगा, और मिडिल वाला फाइबर एडक्शन और अबडक्शन में हेल्प करेगा. सो ये 3 जो हैं ये मेन, और ये दोनों जो हैं एसेसरी हैं. पीएम इज पेक्टोरालिस मेजर, एंड आफ्टर दैट द ट्राइसेप्स ब्रेकियल. और ऑल दीज मसल्स आर प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द लिम. सो अपर लिम, पोस्टीरियर साइड ऑफ द हैंड आर्म. सो इट हेल्प्स इन द एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर. सो आफ्टर दैट द थर्ड मूवमेंट इज एबडक्शन. सो एबडक्शन में जो होते हैं वो 2 मसल हेल्प करते हैं, सुप्रा स्पाइनेटस. सुप्रास्पाइनेटस इज वन ऑफ द रोटेटर कफ मसल, एंड द सेकेंड इज डेल्टॉइड. कौन सा वाला फाइबर होगा डेल्टॉइड का? तो डेल्टॉइड का मिडल वाला फाइबर होगा. और इसकी रेंज ऑफ मोशन क्या होती है? रेंज ऑफ मोशन इसकी 0 degree टू 180 degree होती है. अब आते हैं फोर्थ मूवमेंट पे. फोर्थ मूवमेंट इज एबडक्शन हो गया, तो अब क्या होगा? अडक्शन. एबडक्शन मीन्स मीडियल से दूर ले जाना, अडक्शन मीन्स मीडियल के पास ले जाना, पास लेकर आना वापस. इसी का रिवर्स वाला मूवमेंट होता है अडक्शन. सो अडक्टस, तो इसका रेंज ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? इसका जस्ट रिवर्स, मींस कि ये 0 to 180 हो रहा था, तो ये 180 से 0 होगा. अडक्शन में कौन कौन से मसल हेल्प करेंगे? तो सबसे पहले कोराकोब्रेकियालिस, यहां मैं सीबी लिख देती हूँ, कोराकोब्रेकियालिस. आफ्टर दैट पेक्टोरालिस मेजर, आफ्टर दैट लैटिसिमस डॉर्साई, एंड टेरिस मेजर. These are the adductors of shoulder. After that, the medial rotators. The fifth movement is medial or internal rotators. And the range of motion of internal rotation
ऑफ शोल्डर इज 0 to 80 degree, इंटरनल रोटेशन 0 to 80 degree होती है, और द मसल्स आर सबस्कैपुलरिस, टेरीज मेजर, आफ्टर दैट लैटिसिमस डॉर्साई, पेक्टोरालिस मेजर एंड देन डेल्टॉइड. विच फाइबर? एंटीरियर फाइबर. सो सबस्कैपुलरिस, टेरीज मेजर, लैटिसिमस डॉर्साई एंड पेक्टोरालिस मेजर, दीज आर द मेन मसल्स विच इन्वॉल्व इन द मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर. एंड द सिक्स्थ इज मीडियल और लेटरल या फिर एक्सटर्नल रोटेटर्स. और इसकी रेंज ऑफ मूवमेंट क्या होगी? इसकी रेंज ऑफ मूवमेंट होती है रेंज ऑफ मोशन 0 to 60 degree. एक्सटर्नल रोटेशन कम होता है इन कंपेरिजन टू इंटरनल रोटेशन. और जो मसल्स होते हैं, दो मेन मसल होते हैं और एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग हेल्प करते हैं. तो फर्स्ट वन इज टेरीज माइनर, मेजर हेल्प कर रहे थे इंटरनल रोटेशन में, तो माइनर हेल्प कर रहे हैं एक्सटर्नल रोटेशन में. आफ्टर दैट इंफ्रास्पाइनेटस एंड द थर्ड मसल इज डेल्टॉइड. विच फाइबर? डेल्टॉइड का ये एंटीरियर फाइबर इंटरनल रोटेशन दे रहा था, तो पोस्टीरियर फाइबर हेल्प करेगा एक्सटर्नल रोटेशन में. सो दीज आर द मसल्स विच इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट. एंड वी ऑल नो दैट रोटेटर वी ऑल नो अबाउट रोटेटर कफ मसल. दिस इज द रोटेटर कफ मसल. वी कैन वी राइट हियर द शॉर्ट फॉर्म रोटेटर कफ मसल. देर इज अ ट्रिक दैट इज सिट्स सबस्कैपुलरिस, सॉरी एस इज फॉर सुप्रास्पाइनेटस, आई इज फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, टी इज फॉर टेरीज माइनर एंड एस इज फॉर सबस्कैपुलरिस. सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरीज माइनर एंड इज सब स्कैपुलरिस. सो दीज आर द ट्रिक्स. ये रोटेटर कफ मसल है, तो ये सब रोटेशन में हेल्प करते हैं. So I think this video is helpful for you guys. Thanks for watching my videos. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.